केंद्र सरकार की ओर से आज देश भर में 12 रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस मेले के माध्यम से 1,00,000 रोजगार अलग अलग सरकारी विभागों में कर्मचारियों को दिए गए हैं और अजमेर के सीआरपीएफ GC2 में ये रोजगार मेला आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े। अजमेर में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर रहे। इस मौके पर रेलवे, सीआरपीएफ, डाक विभाग सहित अलग अलग केंद्रीय विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में 300 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बताया है कि देश भर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और युवाओं को रोजगार देने का काम केंद्र सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 10,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध हो जाए। आज पूरे देश के अंदर 1,00,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। ये 12वां रोजगार मेला है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम इस चुनाव के पहले 10,00,000 लोगों को रोजगार दे देंगे, यानी सरकारी नियुक्ति पत्र देंगे, जिसमें अभी 11वें रोजगार मेला तक 7,00,000 लोगों को और इस बार मिलाकर के 8,00,000 कुछ हज़ार लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर